कि एक दिन श्री नंद बाबा द्वादशी के दिन जमुना में स्नान करने गए और समय का ठीक ठीक परिज्ञान नहीं था, रात्रि के 2 बजे ही स्नान करने चले गए। नींद खुल गई, उन्हें लगा कि सवेरा हो गया और चले गए जमुना में स्नान करने। रात्रि के 2 बजे आसुरी वेला होती है, उस समय वरुण के सेवक असुर जल में विचरण करते हैं, उस समय नदी में और सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंद बाबा चले गए स्नान करने, वरुण के सेवकों ने देखा और नंद बाबा को वरुण पास में बांध लिया और लेकर के वरुण लोक चले। नंद बाबा लौट करके नहीं आए। सवेरा हो गया, सब ढूंढने लगे बाबा कहां गए। बोले स्नान करने गए थे, चलो ढूंढते। सब गोप ग्वाल बाल जमुना के तट पर आए तो देखते हैं बाबा के वस्त्र रखे हैं, लोटा रखा हुआ, लाठी रखी हुई, बाबा नहीं। बोले लगता है बाबा डूब गए, बह गए, कपड़े तो रखे हैं, लाठी भी रखी है, बाबा नहीं। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण आए और भगवान ने कहा नहीं नहीं, बाबा डूबे नहीं है, बाबा बहे नहीं है, मैं जा रहा हूं बाबा को लेकर के आता हूं। बाबा को वरुण देवता के सेवक ले गए हैं और भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे भगवान कृष्ण। वरुण देवता ने जब भगवान को आते देखा तो दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने अनुग्रह किया मेरे वरुण लोक में आपके चरण पड़े, मेरा ये लोक भी धन्य हो गया। और वरुण को समझने में देर नहीं लगी कि ये क्यों आए हैं, क्या कारण है, और तुरंत वरुण देवता ने भगवान को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी। वरुण देवता ने कहा कि अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम तव पिता तद भवान क्षंतुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, बड़े मूर्ख हैं, इन्होंने बहुत बड़ी मूर्खता की, आपके पिता को पकड़ ले आए, मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। क्योंकि सेवक अगर कोई अपराध करे तो वो अपराध स्वामी का अपराध ही माना जाता है। भ्रत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते, सेवक के अपराध करने पर वह अपराध उसके स्वामी का ही माना जाता है, क्योंकि सेवक स्वामी के अधीन होता है। वरुण देवता ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं, और यह कहते हुए वरुण देवता ने नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त करके भगवान को सौंप दिया। भगवान ने वरुण देवता को आशीर्वाद देकर नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक से आए। ये घटना जब हुई तो ब्रजवासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के सभी सखाओं ने, ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, कन्हैया कोई मृत्यु लोक का प्राणी किसी दूसरे लोक में चला जाए और वहां से फिर चला आवे, ये बड़ा असंभव काम है, ये तो संभव नहीं है। और तू वरुण लोक गया और बाबा को लेकर के आ गया, और बाबा बता रहे थे वरुण देवता ने तुमको दंडोत की, हाँ तुम्हारी पूजा की। कन्हैया तू हमारे बीच में रहता है, खेलता है, खाता है, लेकिन तू कोई अद्भुत लोक से आया है, तेरा लोक कोई दिव्य लोक होगा, क्योंकि तू इस लोक का नहीं है। तेरे अंदर जो दिव्यताएं हैं, ऐसा लगता है कि तू किसी विशेष लोक से तेरा आगमन हुआ है इस धरा पर। आज मैं जानना चाहता हूं कि तू किस लोक से आया है। बड़ी ही सहजता में ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा, तो उतनी ही सहजता में भगवान ने कहा, हां भैया मैं जिस लोक से आया हूं, मेरे लोक का नाम वैकुंठ है।
सब सखाओं ने कहा भैया उस लोक की क्या विशेषता है। भगवान ने कहा उस लोक का दर्शन सबको नहीं होता है। यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। वेदव्यास जी कहते हैं जब कोई महामुनि ज्ञानी महापुरुष त्रिगुणातीत हो जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से जो निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे त्रिगुणातीत पुरुषों को, योगियों को, सिद्ध पुरुषों को मेरे उस लोक का दर्शन होता है। सखाओं ने ये सब सुना, सखाओं ने कहा तो कन्हैया हमको भी दर्शन कराओ, तुम्हारे उस लोक को हम भी देखें। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और उसी समय भगवान ने अपने संकल्प से उन सखाओं को वैकुंठ के द्वार पर पहुंचा दिया। सखाओं ने आंख खोली तो अगले ही क्षण अपने को वैकुंठ के द्वार पर पाया, वैकुंठ का दिव्य दर्शन किया। सखाओं ने कहा भैया ये तेरा वैकुंठ लोक तो अद्भुत है, दिव्य है। तब तक किसी सखा ने कहा कन्हैया एक बात बतावें, बताओ। सखा ने कहा भैया ये तेरा लोक बहुत अद्भुत है, दिव्य है, लेकिन हमारा वृंदावन ही ठीक है। क्यों? बोले यहां तो डर लगता है किधर जाएं, कोई रोक न दे, कोई टोक न दे, हमारा वृंदावन ही ठीक है। चाहे जमुना में गोते लगाओ और चाहे किसी गली में, किसी खोर में, किसी कुंज में चले जाओ, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं, हमारा वृंदा ही बन ही ठीक है। हमारा तो मन करता है हमको वृंदावन पहुंचा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आंखें बंद करो। सखाओं ने आंख बंद की और उसी क्षण भगवान ने अपने संकल्प से उनको पुनः वृंदावन में उपस्थित कर दिया। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने एक क्षण में ब्रजवासियों को अपने निज धाम का दर्शन करा करके वृंदावन में पुनः उपस्थित कर दिया। अब इस लीला में उन ब्रजवासियों को भगवान वैकुंठ लेकर के गए कि उन ब्रजवासियों के लिए वैकुंठ को यहीं लेकर के चले आए? भगवान के लिए सब संभव है, बस इतना ही है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। ये असंभव शब्द भगवान के लिए नहीं, ये संसार के लोगों के लिए और लोगों के लिए असंभव शब्द है, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान की माया ही सब कुछ कर देती है। अघटित घटना पटी ऐसी भगवान की माया, भगवान के संकल्प से सब कुछ करने में समर्थ है। इस प्रकार भगवान ने उन ब्रजवासियों को अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया।